स्वागत है आप सबका वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम पाइथन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो सबको पता है कि हम पाइथन 3.7 पे बात करते हैं। तो 3.7 में हम स्क्रीन को शेयर करते हुए पाइथन ओपन किए, पाइथन 3.7 में आइडियली ओपन करते हैं। ठीक है, आइडियली में हम सभी ये जानते हैं आइडियली में कि आइडियली में हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमें सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखना हो, जैसे 3+8 लिखना हो, यहां अगर लिखते हैं हम 3+6, एक मिनट फिर से इसको ओपन करते हैं, कहीं सेटअप में प्रॉब्लम हो गई है पार्टिसिपेंट्स, उसमें पाइथन 3.7 आइडियली ओपन करते हैं। आइडियली ओपन करने के बाद मान लीजिए 5 into 8, ये आंसर आ गया इसका। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फाइल में गए, न्यू फाइल ओपन किए, तो ये इसका मास्टर पेज है, ये इसका मास्टर पेज है जिसपे प्रोग्राम का आउटपुट आता है। हम सभी जानते हैं कि ये इसका मास्टर पेज है जिसपे प्रोग्राम का क्या आता है, आउटपुट आता है। या फिर अगर हमें सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखना हो तो हम किस पे लिखते हैं, इस विंडो पे लिखते हैं। ठीक है, बट हमें मल्टी लाइन प्रोग्राम लिखना है तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिए थे। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स। इसको हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसको हम क्या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स, टू इंटर इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम डिजिट्स को ही, अभी हम कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे हैं कि अभी जो हम स्ट्रिंग इनपुट किए थे, इसके पहले जो स्ट्रिंग इनपुट किए थे है ना, तो वो कैरेक्टर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का था। अब हम नंबर प्रिंट करें और देखें कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक, तो कुछ नहीं, एक्स इक्वल्स टू, हम इनपुट फंक्शन लेते हैं यूजर से, इनपुट इंटर नंबर। ठीक है, प्रिंट इंटर नंबर, वो नंबर इंटर किया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट इंटर्ड नंबर इज, द इंटर्ड नंबर इज, कॉमा करके हमें किसको प्रिंट करवाना है, एक्स को प्रिंट करवा दे। ठीक है, एक्स को प्रिंट करवा दिया ये। ठीक है, देखिए अब हम जाने कि एक्स का टाइप कौन सा है, अगर हमें ये जानना है कि एक्स का टाइप कौन सा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। क्या यूज करते हैं उसके लिए, टाइप फंक्शन। ठीक, तो प्रिंट, हमें एक्स का डेटा टाइप जानना है, एक्स का डेटा टाइप जानना है हमें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन।
भाई लोग जब बोलते हैं टाइप किसका, एक्स का, ठीक, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं टाइप फंक्शन इज यूज्ड, टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू नो द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल वेरिएबल, ठीक। तो ये है एक्स इक्वल्स टू इनपुट, तो प्रिंट, या फिर एक लाइन ये लिख सकते हैं प्रिंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं कंट्रोल एस से सेव किए, इसको रन करवाने के लिए कंट्रोल एस से सेव किए, तो मान लो आज का डेट 23 है, तो 23 सितंबर.py सेव कर लिए इसको, ठीक। रन करवाने के लिए, रन करवाने के लिए हम रन में गए और उसके बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक, ठीक। इंटर नंबर मान लो 23 हम इंटर किए, टाइप इज 23, डेटा टाइप वेरिएबल एक्स इज क्लास str, ये क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग बता रहा है, ये डेटा टाइप कौन सा बता रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बता रहा है, ठीक। तो देखिए, तो जब हम कोई टाइप नहीं दिए हैं, जैसे इसमें है जब हम इसमें कोई टाइप डेटा टाइप नहीं दिए, या फिर इसकी टाइप कास्टिंग नहीं किए हैं, अभी आप आगे देखेंगे कि हम कैसे इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, तो ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये डेटा टाइप समझेगा एक्स का, चाहे हम एक्स को नंबर लिखे, चाहे फैक्टोरियल लिखे, चाहे डेसिमल लिखे, चाहे बाइनरी लिखे, कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा लेगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो बाय डिफॉल्ट लेगा स्ट्रिंग लेगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा स्ट्रिंग, ठीक। तो ये आपका हो गया, बस हम इंटर किए नंबर, तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, इसके बेस पे लेगा, हमको पता है कि जब सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखा होता है उसका डेटा टाइप जो होता है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक। तो ये टाइप फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ लिखा गया है टाइप फंक्शन यूज टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक। तो ये एक प्रोग्राम हो गया, अब देखो एक प्रोग्राम और, write a program to demonstrate the use of int and input function, ek dusra program hai, usko likhte hain, isi pe likhte hain, write a program to demonstrate the use of int and input function, to demonstrate the use of int and input function, write a program to demonstrate the use of int and input function, ये हमें लिखना है, ठीक। अब देखो, अब हमें int डेटा टाइप को यूज करना है, यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेना है, जो कि किस टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, ठीक है। तो हम मान लो वेरिएबल x मान लिए, x इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, ठीक, इंटर, या फिर हम लिख सकते हैं प्लीज इंटर द नंबर, प्लीज इंटर द नंबर, ये लिख दिए यूजर से, ठीक है। अच्छा, अब हमें नंबर लेना है, अब हमें जो डेटा टाइप लेना है वो किस टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। बट यहाँ अभी कोई डेटा, यहाँ तो क्या है, यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा, ठीक। पाइथन का जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या लेता है,
स्ट्रिंग लेता है, ठीक, टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर द नंबर, ये हो गया, ये स्ट्रिंग ले रहा है। अब हम ये चाहते हैं, कि ये जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। क्या यूज करते हैं? टाइप कास्टिंग। तो हम फोर्सफुली इनपुट फंक्शन के आगे लगा देते हैं, डेटा टाइप, ठीक। तो जैसे ही हम इंट लिख दिए, जैसे ही हम इंट लिखते हैं, तुरंत ये पता चल जाता है पाइथन को कि जो इनपुट है, उसका डेटा टाइप कौन सा होगा। जो इनपुट है उसका डेटा टाइप जो होगा वो होगा इंटीजर टाइप का। जो इनपुट है उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो x equals to int, input is enter the number, ठीक है, इसी को प्रिंट करवा दिया जाए, प्रिंट करवा दिया जाए, यूजर प्रिंट द entered number is, the entered number is, कॉमा करके किसको प्रिंट करवाएं? x को प्रिंट करवा दिए, x को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं जैसे इसका डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग आया था यहाँ पर, यहाँ स्ट्रिंग आया था, उसका डेटा टाइप, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका डेटा टाइप हम पता करें, ठीक है। तो कौन सा, क्या यूज करते हैं उसके लिए? टाइप फंक्शन यूज करते हैं, उसके लिए टाइप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट डेटा टाइप ऑफ एक्स कॉमा, क्या यूज करेंगे? टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ किसका? एक्स का, टाइप ऑफ एक्स का, ठीक है, ये हो गया। अब इसको रन, जब भी रन करवाते हैं तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, क्या करते हैं? सेव करते हैं, ठीक। फिर हम जाते हैं इसमें, रन में गए, शॉर्टकट भी है, रन मॉड्यूल F5 पर प्रेस कर रहे हैं, प्लीज इंटर द नंबर, मान लीजिए ये हम कर दिए, फिर रन पे गए, रन मॉड्यूल पे, प्लीज इंटर द नंबर, ये ऊपर वाले प्रोग्राम का आ रहा है। फिर से क्लोज करते हैं, देखो हम रन पे गए, रन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, तो ये पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है कि हम ये चाहते हैं, कि जो ऊपर वाला प्रोग्राम है ये रन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला प्रोग्राम रन ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में डाल दें भाई, है ना। जब कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो क्या ये सिंगल लाइन कमेंट है या मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए जो जो सिंबल होता है वो होता है ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक, ये हो गया, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसको रन करवाएं, फिर से कंट्रोल ऐसे सेव किए, जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल ऐसे सेव करवाते हैं, शॉर्टकट भी है, F5 रन प्रेस कर दिए, प्लीज इंटर द नंबर, मान लो 54 लिख दिए, इंटर्ड नंबर इज 54, डेटा टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर, डेटा टाइप ऑफ एक्स इज यहां क्लास इंटीजर टाइप है, ठीक। फिर से इसको रन करवाएं, प्लीज इंटर द नंबर 54.23, प्लीज इंटर द नंबर, अगर मान लो हम यहां लिख दिए 54.23, क्या दे दिया? एरर दे दिया। एरर क्या दे दिया? ये इंटीजर लेंगे, बेस 10 का इंटीजर लेंगे, ना कि फ्लोट नंबर लेंगे, ठीक है, ये एरर आ गया, ठीक। फिर से हम इसको रन करवाएं, फिर से रन मॉड्यूल पे गए, प्लीज इंटर द नंबर, जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं, हमें 100% श्योर है कि इंटीजर देना है, इंटीजर के अलावा ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी ऊपर दिखाए 55, एंटर्ड नंबर इज 55, डेटा टाइप x is class integer type, ठीक, ये इसका आउटपुट आ गया। तो ये था कि हम कैसे प्रोग्राम की टाइप कास्ट, कैसे हम वेरिएबल की टाइप कास्टिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम उसमें कोई डेटा टाइप नहीं लगाते हैं, कोई टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा। बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? स्ट्रिंग।
लेकिन हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है डेटा टाइप इंटीजर टाइप का। तो यहाँ हम टाइप कास्टिंग लगा दिए इंटीजर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है। अब देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इंट बिफोर इनपुट फंक्शन। ये तो हो गया, ठीक। अब एक प्रोग्राम और देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम अ यूजर एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। जो कल प्रोग्राम किया गया था उसी प्रोग्राम को। राइट अ प्रोग्राम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल by taking inputs from user, by taking inputs from user, ठीक है। ये हमें प्रोग्राम लिखना है। ये हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेके, भाई हमें यूजर से इनपुट लेके हमें किसमें प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट किसमें करवाना है, एरिया प्रिंट करवाना है उसका। हमें क्या प्रिंट करवाना है, एरिया, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, यहां लिख सकते हैं हम एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक। अब यहां लिखना, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। लेंथ एक वेरिएबल ले लिया, लेंथ इक्वल्स टू, हम चाह रहे हैं कि वो इंटीजर टाइप का रहे, तो जाहिर सी बात है हम पहले से उसका हम क्या दे दें, डेटा टाइप दे दें, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक। फिर उसके बाद इनपुट फंक्शन इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये इंटर कर दिए, लेंथ इन इनपुट इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को इंटर कर दिए, ठीक। अब इसी को प्रिंट करवा दे, पहले प्रिंट, नहीं पहले दोनों वेरिएबल को ले लेते हैं तब प्रिंट करवाते हैं, दोनों वेरिएबल को ले लेते हैं तब प्रिंट करवाते हैं, फिर एरिया डिफाइन करेंगे। लेंथ हो गया, ब्रेथ लीजिए, ब्रेथ equals to integer type का, ठीक है, input function, फिर single या double quotes में हम double quotes दिखा देते हैं, enter the breadth of the rectangle, enter the breadth of the रेक्टेंगल, इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हो गया लेंथ, हो गया ब्रेथ, हो गया, ठीक। अब इन दोनों को प्रिंट करवा दें, इन दोनों को प्रिंट करवा दें, प्रिंट बड़ा अच्छा लगेगा प्रोग्राम में, प्रोग्राम में थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा यूजर को, प्रिंट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा करके किस वेरिएबल को हम प्रिंट करवाएं, लेंथ को, लेंथ को हम प्रिंट करवाएं, फिर प्रिंट किए, प्रिंट क्या प्रिंट करवाएं, कॉमा करके ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा करके हम प्रिंट क्या करवाएं, ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया लेंथ एंड ब्रेथ, हो गया भाई। क्या हमें करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर। एरिया का फार्मूला लिख दिया गया है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, एरिया का फार्मूला क्या लिख दिया गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये चीज लिखा गया है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि
लेंथ ले लिए यूजर से, लेंथ यूजर से ले लिए, हम चाह रहे हैं कि उसका डेटा टाइप क्या हो, इंटीजर टाइप का हो। हम लेंथ यूजर से ले लिए और हम ये चाहते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या हो, इंटीजर टाइप का। तो जब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम उसके लिए इनपुट फंक्शन यूज किए और डेटा टाइप क्या लगा दिया, इंट। ब्रेथ हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन ले लिए और हम उसके टाइप कास्टिंग क्या कर दिए, इंट। डेटा टाइप लगा दिए इंट, है ना, ये टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब उसी को हम प्रिंट करवा दिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू, यहाँ लेंथ वेरिएबल को प्रिंट करवा दिए, फिर प्रिंट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू ब्रेथ वेरिएबल को प्रिंट करवा दिए। फिर आप देखो एरिया को डिफाइन करें, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप इसी को प्रिंट करवा दें, प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू, किसको प्रिंट करवाएं, एरिया, एरिया है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया। ये कंट्रोल ऐसे सेव किए, कंट्रोल ऐसे सेव किए। अब हम ये चाहते हैं केवल यही सेक्शन रन हो, केवल यही सेक्शन रन हो, तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे को कमेंट सेक्शन में कर दें भाई, इस पूरे को हम क्या कर दें, कमेंट सेक्शन में। ट्रिपल कोर्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कोर्स क्लोजिंग, ये हो गया। अब देखिए इसको कंट्रोल एस, जब भी कुछ करते हैं नया तो कंट्रोल एस से सेव करवाते हैं, F5 प्रेस किए, इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 45, इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 12, एरिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 45, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 12, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 540, 45 इंटू 12 इज 540। ठीक, दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेते हैं, कंट्रोल से सेव किए, F5 प्रेस किए, मान लो 20 ले लिए, लेंथ ले लिए 10, ब्रेथ ले लिए 20, एरिया आया 200, लेंथ ले लिए 10, ब्रेथ ले लिए 20, एरिया आया 200। फिर से देखो F5 प्रेस किए, लेंथ ले लिए 12.25, तुरंत क्या दे दिया, एरर आ रहा, तुरंत एरर। उसके आगे अब यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है, यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। पाइथन किसको सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, मतलब कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, पूरा प्रोग्राम रन होने के बाद तब वो एरर आता, लेकिन यही इसी के आगे वो बढ़ नहीं रहा, वो एक साथ पूरा एरर आ जाता, इस पूरे स्क्रीन पे एक साथ पूरा एरर आ जाता, लेकिन पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो इसीलिए जैसे ही लाइन पे एरर आ रहा है तुरंत क्या दे रहा है, तुरंत यहीं पर एरर आ जा रहा है। ठीक, फिर से इसको रन करवाएं, देखो कंट्रोल एस F5, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 12, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 12, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 144, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 144। ठीक है, ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें क्या है, इसमें राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो भाई यूजर से इनपुट लेने के लिए दो वेरिएबल हम पहले डिफाइन करेंगे। अब यहां एक क्वेश्चन ये होता है, भाई पाइथन तो डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप है, तो हम इसका इंटीजर टाइप क्यों लिख रहे हैं। तो भाई वैल्यू के बेस पे ही पाइथन ये सेलेक्ट करता है कि इसका डेटा टाइप, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो हम सबको पता है कि सिंगल या डबल कोट्स में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। सिंगल या डबल कोट्स में जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंटीजर। तो इसीलिए हम इसके क्या कर दिए हैं, टाइप कास्टिंग कर दिए हैं। टाइप कास्टिंग में जैसे ही हम इंट लगाएंगे तो ये डेटा टाइप कौन सा ले लेगा, इंटीजर टाइप का। डेटा टाइप क्या ले लेगा, वो इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो एक लेंथ ले लिए, एक लेंथ के बाद इसी तरह हम ब्रेथ ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, ब्रेथ ले लिए, उसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को प्रिंट करेंगे। तो लेंथ यहाँ से उठा के इसको यहाँ प्रिंट कर दिए, यहाँ से उठा के इसको यहाँ प्रिंट कर दिए, इसी तरह प्रिंट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ यहाँ से उठा के यहाँ प्रिंट कर दिए। फिर एरिया फार्मूला डिफाइन कर दिए, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ।
एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी मैसेज प्रिंट करवाना हो उसको सिंगल या डबल कोट्स में, और उसके बाद कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, एरिया को प्रिंट करवा दिए, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।